स्नोफॉल बहुत हाई है, इस अकॉर्डिंगली कोई एक चीज आ जाती है जो हमारा प्लान नहीं हो, तो ही टेक्स केयर ऑफ दैट ऑल्सो। हडिम्बा पे यहाँ पे फुल कवर्ड विद स्नो है, बहुत सारे लोग भी है, टूरिस्ट आए हुए है, हम लोग गोवा से आए और अच्छा लगा। लेकिन आई सजेस्ट एवरीवन, अगर आना है तो पैकेज बुक करके आए, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेंपल में, गाड़ी तो नीचे रह गया क्योंकि यहाँ पे जाम लगा है, पूरा रास्ता स्लिपरी है। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा रोड ब्लॉक है। तो अगर स्नोफॉल रहेगा, ऐसे रास्ते में स्नो रहेगा, तो हो सकता है आपको 1.5 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़े। 4x4 ऊपर आ रहा है, तो दिक्कत ये है गाड़ी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जाम हो गया है, आप देख रहे हो ब्लॉक है, रोड ब्लॉक। तो इसलिए अपना ड्राइवर जो है नीचे गाड़ी रख दिया, हम चल के जा रहे हैं। देखो व्यू है, तो आप 1-2 किलोमीटर ट्रैक भी कर लोगे, इतना आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको माउंटेन व्यू, स्नो पीक माउंटेन सारे देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम तो रास्ते में भी स्नो भरा पड़ा है। तो हाय जी, यहाँ पे देखिए ये रिजॉर्ट है, फॉरेस्ट लॉज है, मनाली बिल्कुल हडिम्बा देवी टेम्पल के रास्ते में। सांस फूंक रहा है क्योंकि चढ़ती है। और साइड में बहुत सारे आपको रिजॉर्ट होटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काफी लोग हैं, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, देखते हैं। जो सराउंडिंग आपको दिखाऊं, क्या नज़ारा है। यहाँ पे टेंपल के पास भी यहाँ पे ट्यूब राइड हो रहा है। डिस्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, पर आपको अगर एंजॉय करना है ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल यहाँ पे ट्यूब राइड भी कर सकते हो। और एक्चुअली ये जो टेंपल में हम लोग लास्ट आए थे मई महीने में आए थे, तो उस टाइम स्नो कुछ भी नहीं था, क्लियर था। और आज का नज़ारा कुछ अलग है, स्नो पूरा टेंपल में भरा है, स्नो कवर्ड है, ये देख सकते हो सराउंडिंग। ओहो, तो फाइनली अभी हम पहुंचे हैं हडिम्बा देवी टेंपल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये टेंपल का व्यू और उसके आसपास का लोकेशन काफ़ी प्यारा है, स्नोफॉल के वजह से काफ़ी प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। और उसके हिसाब से टूरिस्ट भी है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और टूरिस्ट आए हैं बिल्कुल, ये जो टेंपल है हिस्टोरिक टेंपल है, भीम के पत्नी हडिम्बा देवी के नाम के ये टेंपल है। आप बिल्कुल अंदर जा सकते हो, अंदर जा के पूजा पाठ दर्शन वगैरह कर सकते हो। उनका पादुका है, उनका स्टैचू है, एक मूर्ति है, वहाँ पे जाके आप दर्शन करके आ सकते हो। ये टेंपल का जो आर्किटेक्चर है कम्प्लीटली वुडन है, लकड़ी से बनाया गया है। टेंपल के बाहर के साइड में आप देख सकते हो कुछ जानवरों का हॉर्न है। और आसपास का लोकेशन आप देख रहे हो, टेंपल बिल्कुल जंगल के बीच में है, पूरा शांति है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पे एक्टिविटी भी होता है, आपको ट्यूब राइड भी कराते हैं, स्कीइंग भी आप कर सकते हो, आपको अगर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। और जो लोकल ड्रेस होता है, लोकल जो कपड़ा होता है कपल्स के लिए, ये भी आप यहाँ पे हायर करके आप फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो। और आपको अगर खरगोश के साथ फ़ोटोज़ निकालना है तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। खरगोश के साथ फ़ोटो निकालने के लिए 30 रुपये को चार्ज करते हैं, और जो ये कपड़ा है जो कपल्स के लिए, ये 100 या 150 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज करते हैं। तो ये कपड़े भी आप डाल के फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो। लोकेशन काफ़ी प्यारा है। ये टेंपल को कुल्लू के महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनाया था देवी हडिम्बा के नाम पे। और ये जो टेंपल है मॉल रोड के 2 किलोमीटर दूरी पे है, बिल्कुल आप अगर मॉल रोड के आसपास रह रहे हो तो आप पैदल भी आ सकते हो। अर्ली मॉर्निंग आइएगा, आपको लोग कम मिलेंगे, आपको अच्छा फ़ोटोशूट करने का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम होगा ऐसे ही रास्ते में ट्रैफिक हो जाएगा,
और अगर स्नोफॉल हुआ रहेगा तो आपका जो नॉर्मल गाड़ी है ये ऊपर तक नहीं आएगा। एक तो स्नोफॉल गाड़ी स्लिप करेगा, सेकंड में ट्रैफिक, तो इसके वजह से गाड़ी ऊपर तक नहीं आएगा, आपको नीचे से चल के आना पड़ता है। आप मॉल रोड से भी आराम से चल के आ सकते हो। और ये लोकेशन में बहुत सारे बॉलीवुड मूवी भी शूट हुआ है। मुझे जो याद है ये जवानी है दीवानी एक मूवी जो रणवीर कपूर का, ये प्लेस में शूट हुआ है, जिसके वजह से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। और ये प्लेस है अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। और स्नोफॉल के टाइम पे विंटर में ये प्लेस का जो नज़ारा है अपने आप में गजब है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरा सराउंडिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी मस्त है बिल्कुल। आप अगर मनाली में हो ये प्लेस आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। तो हम तो अपना मनाली ट्रिप एंजॉय कर ही रहे, आप अगर मनाली ट्रिप प्लान करते हो तो आप कैसे बुक करोगे, कैसे आपका प्लान होना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाय ऑल यूट्यूब फैमिली, सो अभी जो हमको ये पैकेज मिला टूटो हॉलीडेज है उनकी तरफ से पैकेज, उन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है हमारा, चाहे वो हमारे होटल्स हो, हमको ऑन द स्पॉट कुछ डिमांड्स हो, या हमारा मतलब साइट सींग वगैरह हो, हर एक चीज़ का कन्वीनियंस हमको एकदम बहुत बढ़िया रहा। द पैकेज इटसेल्फ वाज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड थिंग्स। और भाई कोई भी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी स्नोफॉल बहुत हाई है, इस अकॉर्डिंगली कोई एक चीज़ आ जाती है जो हमारा प्लान नहीं हो तो ही टेक्स केयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो आप एकदम मतलब पैकेज लीजिए और टेंशन फ्री एंजॉय कीजिए बस। राइट नाउ हम तो एकदम फुल लोकल में सजे हुए हैं, हडिमा टेम्पल आए हुए हैं, सब लोग फुल और मस्ती कर रहे हैं, बिकॉज़ हमको टेंशन लेने के लिए कुछ नहीं है, टेंशन लेने के लिए संदीप जी है। संदीप जी अच्छा लगा, हम जब समर में आए थे कुछ स्नो नहीं था, हडिम्बा पे यहाँ पे फुल कवर्ड विद स्नो है, बहुत सारे लोग भी है, टूरिस्ट आए हुए है, हम लोग गोवा से आए और अच्छा लगा, पैकेज के थ्रू बुकिंग किया इसलिए हमारा टेंशन कम रहा था। लेकिन आई सजेस्ट एवरीवन अगर आना है तो पैकेज बुक करके आए, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आप एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। For me, this photo adventure, whatever we have done, is very nice, and I will recommend for people to come and book a package with Pluto, and will be not be disappointing, but you'll enjoy the Manali trip and the whole package. Thank you. So, anyone reviews है जो हम feel कर रहे हैं वही हमको आपको recommend कर रहे हैं, ठीक है? बाकी बढ़िया रहा, पूरा tour हमारा अच्छा रहा। Pluto Holidays का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यूट्यूब चैनल के लिंक और उनका वेबसाइट लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हो। पीछे आप देख सकते हो हडिम्बा देवी जी का टेंपल है और उसके साथ ये जो नज़ारा आप देख रहे हो 360 व्यू आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा स्नो से कवर्ड है और काफ़ी अच्छा टूर रहा है, काफ़ी अच्छा हमने पूरा एंजॉय किया है। यही है बड़े बड़े पाइन ट्री, प्रशांत पूरा स्नो का मजा ले रहे हैं। तो ये था हडिम्बा देवी जी का टेंपल मैंने आपको दिखाया, व्यू तो आपको फोटोशूट के लिए गजब का व्यू है। तो ये वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्दी मिलेंगे अगले और एक एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे, बाय बाय।